स्टार्ट होता है 1800 से, मैंने आपको बोला न्यूटन। स्टार्टिंग गेनर मास कहां से कितने तक पड़ेगा? स्टार्टिंग मेरे पास स्टार्टिंग गेनर मास इज 26। 26,000 में आपको बाहर का ब्रांड मिल रहा है और 5,000 में इंडियन ब्रांड मिल रहा है, तो आप बाहर का प्रीफर करो क्योंकि बाहर की क्वालिटी रहती है। लेने के बाद ऐसा नहीं होता आप एक महीना यूज किया या दो महीना यूज किया आपकी बॉडी बन जाएगी। अरे हो या वड़ा पाव खा रहे हो, जो भी समोसा पाव खा रहे हो, फिर आप प्रोटीन गेनिंग यूज कर रहे हो, फिर आप बोलोगे कि लाइक भाई हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आई एम बैक विद अदर व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप लोग? तो इस बार बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, वो आप लोगों के लिए होने वाला है जिसको बॉडी बनाने का बहुत ही ज्यादा क्रेज है। और मैं इस बार आया हूँ प्रोटीन जिला शॉप, जो कि मेरे भाई इमरान भाई का शॉप है और इनकी शॉप है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास प्रोटीन अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक और जेन्युइन प्रोटीन रहता है। और ये इमरान भाई मुझे पूरा एक्सप्लोर मतलब बताने वाले इनके पास कौन सी ब्रांड अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट अवेलेबल है और बिगनर के लिए कौन सा प्रोटीन बेस्ट होने वाला है, वो सब इमरान भाई आपको बताने वाले। तो इमरान भाई, अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है बिगनर है, तो उसके लिए बेस्ट प्रोटीन एकदम कम से कम रेंज में क्या? बिगनर है तो वो बहुत ज्यादा लीन है, तो वो उसको सजेस्ट करूंगा वो भी जो भी गेनिंग प्रोटीन होता है जिसमें कैलोरी ज्यादा होती है वो लिए, वो यूज करे जिससे आपसे कैलोरीज आप ज्यादा यूज करोगे आपकी बॉडी ज्यादा इंक्रीज होगी, आपकी बॉडी ज्यादा गेन होगी। तो ये जो भी पूरा सेशन है ये पूरा गेनिंग सेशन है, ये जो भी पूरा है ये पूरा गेनिंग है। इफ आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो अपनी बॉडी में तो आपकी बॉडी उतनी बढ़ती है, और जितना आप खाते हो, जैसे आप खाना खाते हो जो भी खाते हो, तो जितना आप ज्यादा खाना खाते हो इंसान उतना मोटा होता है। तो कोई कोई इंसान के ज्यादा खा नहीं पाता है तो वो क्या करता है, प्रोटीन ले लेता है, जो आप एक स्कूप में आपको 1200 कैलोरीज मिल जाती है, 1300 मिल जाती है, किसी में 2000 है। अब देखो इसमें 2000 कैलोरीज है, 2200 कैलोरीज है, तो जितना कैलोरीज आप ज्यादा इंटेक करोगे उतनी जल्दी आप ग्रोथ हो। तो इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या देखने जाएंगे? इसका स्टार्टिंग प्राइस डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड का ले रहे हो। इफ आप कोई इंडियन ब्रांड लेते हो आपको पड़ता है 28 का 27 का। इफ आप कोई बाहर का ब्रांड लेते हो, जो बाहर की कंपोर्ट बाहर की जो कंट्री होती है जो इम्पोर्ट करती है, वो आपको पड़ जाएगा लाइक 4,500 में ऐसे पड़ जाता है। डिपेंड करता है, वो फ्लक्चुएट होता है, अभी एक सेम प्राइस आपको बार बार नहीं मिल सकता। अभी मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा हाई चल रहा है प्रोटीन का, क्योंकि मिल नहीं रहा है, और मेन थिंग है वो इम्पोर्ट ही नहीं कर रहा है, अपना स्टॉक ही नहीं बेच रहा है। तो मार्केट में जो इंसान के पास है वो इंसान उसको बढ़ा के बेच रहा है क्योंकि उसके पास भी नहीं है, तो वही कर रहा है। जो भी सेशन है ये पूरा, जो भी इंसान अभी स्टार्ट भी कर रहा है, छोटा सा पतला सा है, जो भी है, ये पूरा सेशन जो भी है वो उसके लिए, ये पूरा जो भी सेशन है वो उसके लिए। अच्छा, बहुत से कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है इंडिया में, बाहर से इंडियन बेस्ट रहता है या बाहर की कंट्री? वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर इंसान कोई कोई होता है जो बोलता है मुझे इंडियन नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को तो फेथ नहीं होता है इंडियन में। बट मैं प्रीफर करता हूँ आपके पास जैसे पैसे है, लाइक आपके पास जितने भी है, 2000 है, 500 है, जितने भी है, इफ आपके पास 2500 है या 5000 है आपके ऊपर है, पर आपके पास 5000 में आपको बाहर का ब्रांड मिल रहा है और 5000 में इंडियन ब्रांड मिल रहा है, तो आप बाहर का प्रीफर करो क्योंकि बाहर की क्वालिटी रहती है, बाहर के प्रोटीन में हर चीज की क्वालिटी है, और इंडियन में भी होती है, बट इंडियन में ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं ज्यादा अपने शॉप पे बाहर का ब्रांड रखता हूँ, क्योंकि ज्यादा प्रीफर जो भी मेरे पास आते हैं, जो भी मेरे को बोलते हैं कि मुझे बाहर का ब्रांड चाहिए, मुझे इंडियन नहीं चाहिए, अब वो डिपेंड करता है लोगों पे। तो अपन नहीं बोल सकते कि किसी को किसको क्या चाहिए, किसी को क्या नहीं चाहिए। इसमें कंपैरिजन फेक प्रोटीन्स भी बहुत आते हैं। हाँ, फेक प्रोटीन क्यों आती है? जब इंसान इम्पोर्ट के साथ नहीं बेचता। अब ये देखो इसमें इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट टैग है, अब ये जो इम्पोर्ट टैग है वो इम्पोर्ट टैग नहीं रहेगा तो इंसान, कोई कोई इंसान इम्पोर्ट टैग नहीं रहता वो इंसान डुप्लीकेट ही बेचता है, कोई कोई नॉन टैग आता है, कोई कोई इम्पोर्ट टैग आता है, तो ज्यादा इंसान प्रीफर करे कि इम्पोर्ट टैग ले, जो इम्पोर्ट कर रहा है, जो भी कंपनी है, जीएमसी है, अरीना है, जो भी इम्पोर्ट कर रही है उसको वो इम्पोर्ट टैग देखे सबसे पहले कि वो इम्पोर्ट जेन्युइन है, कहाँ से है, किधर का है, वो सब देखिए, फिर उसके बाद उसको परचेस कर दिए। लेकिन जो भी है उसका इम्पोर्ट, अब ये देखो ये इम्पोर्ट है इसका, ये किंग मास का ये इम्पोर्ट है, तो ये इम्पोर्ट टैग जिसमें भी है वो इम्पोर्ट टैग आप लीजिए, क्योंकि आपको वो जेन्युइन मिलेगा, इसको आपको फेक भी मिलेगा। आप वो कंपनी में फोन कर सकते हो, वो आपको कंपनी में आप फोन करोगे, आपको बोलोगे कि भाई मैंने ये लिया है शॉप से, ये शॉप का नाम है, आपने इसको इम्पोर्ट किया, ये फेक है, तो वो आपको दूसरा प्रोटीन देगा। इफ आप बेगर प्रोटीन टैग का लेओगे, आप ना वो शॉप के पास जा सकते हो, ना वो कंपनी के पास जा सकते हो, वो बोलेगा मैंने तो नहीं बेचा है क्योंकि उसमें टैग ही नहीं है।
तो प्रीफर करिए जो जिसमें टैग लगा हुआ है, जो इंपोर्ट किया हुआ है, आप वो लीजिए। अच्छा पर्टिकुलर अभी गेनर कोई बिगनर लिया तो मतलब बॉडी इसकी फैल गई? नहीं देखो, गेनर लेने के बाद ऐसा नहीं होता, आप दो एक महीना यूज किया या दो महीना यूज किया आपकी बॉडी बन जाएगी, आपकी बॉडी मोटी हो जाएगी। वो प्रेफर करते आप खा क्या रहे हो। इफ आप हेल्दी खा रहे हो आप अच्छा खासा मोटा हो जाओगे, आप जंक फूड खा रहे हो या वड़ा पाव खा रहे हो, जो भी समोसा पाव खा रहे हो, फिर आप प्रोटीन गेनिंग यूज कर रहे हो, फिर आप बोलोगे कि लाइक भाई मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ, मेरा पेट भार आ रहा है, वो आपकी गलती है क्योंकि आप समोसा पाव खा रहे हो, वड़ा पाव खा रहे हो, बाहर का चीज खा रहे हो। हेल्दी चीज खाओ, इसको यूज करो, तो आप अच्छा खासा गेन कर लोगे, अच्छा खासा प्रिफेयर कर लोगे आपकी बॉडी जो आपको चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि आप दो महीना यूज किए, तीन महीना यूज किए तो आप एक ही बार में मोटे हो जाओगे। आप एक महीना भी यूज करोगे तो आपको वो सामने से नहीं दिखेगा, वो आपके अंदर बन रहा है, वो आपके अंदर रहेगा, उसको जनरेट होने दो, बनने दो। आप वर्कआउट वैसा करो, आप अपना डाइट अच्छा सा बराबर से फॉलो करो कि आप सब कुछ ठीक चले, तो ऐसा सीन रहता है। अच्छा मैं भी अभी पर्टिकुलर मैं भी जिम किया हूँ तो कैसे रहता है, पहले बल कर रहा था, फीलिंग करना ऐसा कुछ रहता है? वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आप करना क्या चाहते हैं। इफ मेरे को करना है, मैं बोला भाई मेरे को गेनिंग हो चुका है, मेरे को कटिंग करना है, तो इंसान कटिंग करने लग जाता है, वो लो कैलोरीज पे चले जाता है, वो वे प्रोटीन पे चले जाता है, वो आइसोलेट पे चले जाता है या हाइड्रोलाइज पे चले जाता है, वो डिपेंड करता है। बट आप अभी आप मैं आपको देख के बोलूं कि आपको क्या करना है, आप मुझे बोलो कि भाई मुझे गेन करना है बट मेरे को प्रोटीन में गेन करना है, तो प्रोटीन में भी बहुत सारे तरीके क्या आते हैं कि जिसमें कैलोरीज ज्यादा नहीं रहती बट कैलोरीज मिनिमम रहती है, आप वो यूज करके गेन कर सकते हो। अब गेनिंग में क्या होता है, गेनिंग जो भी प्रोटीन लोगे, गेनिंग जो भी सप्लीमेंट होता है, गेनिंग मतलब इंसान बढ़ेगा, गेनिंग का मतलब ये होता है कि इंसान गेन करेगा। एक होता है गेनिंग सप्लीमेंट, एक होता है लीन गेनिंग सप्लीमेंट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है हाइड्रोलाइज, हर एक तरीके का प्रोटीन होता है। चार से पांच रहता है गेनिंग हो जाते हैं। इफ वे प्रोटीन लिए तो आपका बॉडी मेंटेन करने के लिए रहता है, आइसोलेट लिए तो आइसोलेट आपकी बॉडी में जैसे आप पीते हो तो आपकी बॉडी में इंस्टेंट चले जाता है, इंस्टेंट आपकी बॉडी में चले, जैसे वर्कआउट किए आप वे प्रोटीन लोगे उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है आपकी बॉडी के अंदर जाने के लिए टाइम लगता है, आइसोलेट लिए तो उसको थोड़ा बहुत ज्यादा भी नहीं लगता लेकिन 10-15 मिनट्स लगता है। फिर उसके ऊपर आता है सबसे ऊपर हाइड्रोलाइज, कि जैसे आपने पिए, अब हाइड्रोलाइज में आपको बताओ तो ये आइसोलेट, अब ये आप जैसे आप इसको पिए तो ये इंस्टेंट आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, खत्म हो जाता है, जैसे आपने पिए आपकी बॉडी में वैसे ही चलेगी, तो आपको टाइम ही नहीं लगता कि आप घर पे जाओ या आप रेडी रहो या आपको मील खाने का टाइम रहता है, कि अब जो इंसान प्रेप पे रहता है वो अभी प्रोटीन पे था, उसके पेट में ब्लोटेड फील रहता है कि वो अपना मील कैसे करेगा खाना खाने के वर्कआउट करने के बाद। तो हाइड्रोलाइज क्या काम करता है, आप पियो इंस्टेंट आपकी बॉडी में चले जाता है, आप अपना मील कर सकते हो जाके, तो ऐसा सीन रहता है। अच्छा आपके पास अभी मेरे ऑडियंस सब जो वीडियो देख रहे हैं आपके पास अगर आना चाहेंगे तो बेस्ट प्रोटीन आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखो वो डिपेंड करता है इंसान कैसा है, मैं सबसे पहले इंसान को देखता हूँ इंसान कैसा है। अब वो इतना पतला सा है वो मुझे बोलेगा मुझे वे प्रोटीन से साइज बढ़ाना है, तो पहली बात वे प्रोटीन आपका साइज बढ़ा के देगा नहीं। पहली बात इफ आप बोलोगे कि हाँ मुझे गेनिंग करना है मुझे साइज बढ़ाना है, देखो साइज बढ़ाओगे तो आपका पेट तो थोड़ा बहुत बाहर आना ही है क्योंकि आप गेन करते हो हर शरीर से, ऐसा नहीं खाली आप ऊपर से गेन करोगे या किधर से गेन करोगे, गेनिंग होती है तो आपकी पूरी अपर से लेके लोअर तक सब कुछ गेन होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका सिंगल पार्ट आपका पेट बाहर ना हो बस मुझे ऐसा मोटा करो, ऐसा नहीं हो। तो मैं प्रीफर करूंगा इफ इंसान कैसा है, कोई इंसान हेल्दी है अच्छा खासा है तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू वे प्रोटीन ले ले, वे प्रोटीन यूज कर। इफ कोई इंसान बराबर प्रेप कर रहा है या शो कर रहा है, कॉम्पिटिशन खेल रहा है जैसे हम लोग खेलते हैं कॉम्पिटिशन खेल रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा तू भाई हाइड्रोलाइज प्रोटीन यूज कर कि आइसो 100 यूज कर कि जो ज्यादा बेनिफिट देगा तेरे को, कि तेरे को इंस्टेंट में तेरी बॉडी में चले जाए तो अपना मील कर सके, तेरे को टाइम नहीं लगेगा। इमरान भाई अगर समझो मैं ऐसा बिगनर हूँ तो मेरे को गेन करना है तो आप कौन सा प्रोटीन मुझे प्रेफर करेंगे मतलब बताएंगे? इफ मैं आपको प्रेफर करूँ तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप लैब्राडा यूज कर सकते हो, लैब्राडा हाँ जिसमें 1244 कैलोरीज है। आप इसके एक्सट्रीम भी जा सकते हो बट आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप इतने पे स्टार्ट करो क्योंकि आपकी बॉडी को थोड़ा यूज टू होने दो। इफ आप बॉडी को यूज टू होने दोगे तो आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि आपकी बॉडी को भी चाहिए कि भाई अब तुम क्या ले रहे हो, अचानक से तुम 2000 के ऊपर कैलोरीज में चले जाओ तो आपकी बॉडी को समझेगा नहीं, आपकी बॉडी होल्ड ही नहीं करेगी कुछ भी, आपको लूज मोशन चालू हो जाएगा। जब तक आपकी बॉडी को होल्ड नहीं होगा कुछ नहीं होगा आपकी बॉडी को समझेगा नहीं तो आपको मतलब नहीं है। तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी जस्ट अभी आपने स्टार्ट किया कि हाँ मेरे को बॉडी बनानी, तो आप जितनी मिनिमम कैलोरीज रहती है बॉडी प्रोटीन में या गेनिंग में, जो भी प्रोटीन लेना है गेनिंग लेना है जो भी प्रोटीन लेना आपको,
जिसमें मिनिमम कैलोरीज होती है, आप उससे स्टार्ट करो। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप, जितना स्लो कैलोरीज पे आप रहोगे उतना बेनिफिट है। एक ही बार में आप डालोगे तो आपको लूज मोशन चालू हो जाएगा, तो ऐसा सीन। तो लैब्रेडा हो गया, अभी लैब्रेडा का तो बहुत सी मतलब बहुत पब्लिक जानती है लैब्रेडा। देखो पहले भी लैब्रेडा आता था बाहर का, तो पब्लिक को बाहर का लैब्रेडा मिलता था उसमें 2000 कैलोरीज रहती थी। तो अभी लैब्रेडा को इंडियन वाले ने इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसने कैलोरीज कम कर दिया, बिकॉज इंडियन में किसी किसी का बॉडी होल्ड नहीं करता है ज्यादा कैलोरीज, उसको लूज मोशन चालू हो जाता है। तो इंडियन वाले ने क्या किया, उसमें कैलोरीज कम कर दिया, तो उसमें 1244 कर दिया। जो पहले जो बाहर का इम्पोर्ट था लैब्रेडा का, उसमें 2000 के भी ऊपर था, 2000 के भी ऊपर था, तो ऐसा सीन हो गया। फिर ये कौन सा ब्रांड है? EHP Vitals। ये है बाहर का ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है, दिखाता हूं आपको ये कहां का है। हाँ, यूरोप, इसको इम्पोर्ट किया यूरोप ने। तो ये भी अच्छा खासा गेनर है, इफ आपका अच्छा खासा बजट है तो ये आपको पड़ जाता है 26 में, ज्यादा महंगा भी नहीं। इफ अच्छा खासा बजट है 21 सर्विंग है, इफ मैक्सिमम आप उसको 20 डेज के ऊपर यूज कर सकते हो, एक स्कूप भी यूज कर रहे हो मैनिमम। मैं प्रीफर करूंगा आपको कि लेकिन आप गेनिंग कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो मैक्सिमम उसको 3 स्कूप के ऊपर यूज करें, 3 स्कूप भी मिनिमम होता है, 3 स्कूप डेली, 3 स्कूप कि आपकी बॉडी में ज्यादा कैलोरी जनरेट होगा, आपकी बॉडी में ज्यादा फुलनेस आएगी, आप ज्यादा खा पाओगे। इफ आप नहीं खा पा रहे हो तो आपको इससे प्रोटीन से मिल जाएगा। इफ आप बाहर का नहीं प्रोटीन चिकन नहीं खा पा रहे हो, आप फिश नहीं खा पा रहे हो, या आप अंडे नहीं खा पा रहे हो, आप वेजिटेरियन हो, आपको इतना नहीं मिल रहा है, तो आप प्रीफर करो कि लाइक 3 स्कूप ले लो। इफ आपके पास आप बराबर सब चिकन विकन सब अंडे वंडे खा रहे हो तो आप दो स्कूप पर डे यूज कर सकते हो, उसके ऊपर आपके आपके मूड के ऊपर है। अभी ये RC किंग मास जो ब्रांड है मैंने सुना बहुत से, ये बहुत बड़ा ब्रांड है रोनी का। ओके, ये रोनी का ब्रांड है, जो रोनी है, एक सेकेंड आपको मैं बताता हूँ। हाँ, ये भी कैलोरीज, देखो ये भी रोनी का ब्रांड है, ये बाहर का इम्पोर्ट है, ये एक्सेल मास गेनर है, एक्सट्रीम गेनर है, एक्सट्रीम गेनर है, जो इसको अच्छा खासा गेन करने का कि भाई मेरे को अच्छा खासा गेन करने का, मेरे को बस मोटा होना है, तो मैं उसको प्रीफर करता हूँ ये दूं। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बाकी गेनर से क्योंकि ये बाहर का इम्पोर्ट किया हुआ है, तो मैं प्रीफर करता हूँ उसको ये दे दूं। इफ उसको नहीं चाहिए कि भाई मेरे को इतना कैलोरीज नहीं चाहिए, बाहर का ब्रांड है महंगा पड़ रहा है, तो मैं उसको GNC दे देता हूँ। वही सेम काम करता है, इसमें सिर्फ 2200 कैलोरीज है, तो आप ये भी प्रीफर कर सकते हो, ये आपको पड़ जाता है 37-38 में। इसमें कैलोरीज 2200 और इसमें 1000 क्योंकि इसमें 60 ग्राम प्रोटीन है। ओके, प्रोटीन में 60 ग्राम, इसमें 60 ग्राम प्रोटीन है, तो आपके आप बॉडी के अंदर जरूरी नहीं आप खाली कैलोरीज डालोगे तो आपकी बॉडी मोटी होगी, आपको प्रोटीन भी चाहिए रहता है आपकी बॉडी में, क्योंकि लाइक उसको जनरेट हो प्रोटीन कैलोरीज हर चीज चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, लाइक सब कुछ चाहिए होता है जो इंसान को मोटा करे, तो ऐसा सीन। तो ये एक्सेल मास गेनर है, जो इंसान बहुत ही पतला है उसके पास बजट अच्छा खासा है कि लाइक मुझे अच्छा खासा गेन करना है, तो वो एक्सेल मास गेनर यूज कर सकता है। ओके, अभी गेनर के बाद कौन सा मतलब प्रोटीन? अब मैं आपको बताऊं वे प्रोटीन पे आ जाओ, लाइक नॉर्मल वे प्रोटीन, बेसिक वे प्रोटीन। इफ बेसिक वे प्रोटीन स्टार्ट करोगे, मेरे पास एक ये है, ये कैनेडा का ब्रांड है, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन है, 4 ग्राम ग्लूटामाइन है, 5 ग्राम BCAA है। तो आपको एक्स्ट्रा बाहर से या ग्लूटामाइन या क्रिएटिन या जो भी लेने की BCAA लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर है। बट ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर ऑलरेडी है तो बाहर से नहीं लेना चाहिए, बट किसी किसी को जरूरत पड़ती है तो वो एक्स्ट्रा डालता है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पंप चाहिए। इफ वो वे प्रोटीन वो हो गया, वो सबसे लाइक सबसे सस्ता वे प्रोटीन है मेरे पास, सबसे सस्ता ये आपको पड़ता है 37 में, सबसे सस्ता 3700 में आपको ये पड़ जाता है। इफ इसके ऊपर आप जाओगे, ये एक है ग्लिबॉन का वे, जिसमें 24 ग्राम प्रोटीन, जीरो शुगर है, इसमें शुगर ही नहीं है, इसमें जीरो शुगर है जो आपकी बॉडी में फैट जनरेट ही नहीं करेगा। 11 ग्राम BCAA का जो भी वर्जन होता है उसका डबल है, एंड BCAA इज 2.5। सो ये आप ये भी प्रीफर कर सकते हो, लाइक वे प्रोटीन आपको यूज करना, आप ये भी प्रीफर कर सकते हो। और ये जी प्रो ये किसका है फिर? ये भी नॉर्मल वे प्रोटीन है 100% वे, जैसे ये है वे, जैसे ये है वे, जो नॉर्मल सब वे प्रोटीन है जो सेम काम करता है। ऐसा नहीं सिर्फ ब्रांड का फर्क होता है और एक क्वालिटी का फर्क होता है कि आप कैसी क्वालिटी यूज कर रहे हो, कैसा ब्रांड यूज कर रहे हो।
इफ आप बोलोगे मेरे को 1700 रुपए में भी प्रोटीन मिलता है, अब मेरे पास 1800 रुपए का भी है न्यूट्रेला का वे, आप ये भी यूज कर सकते हो इफ आपके पास बजट नहीं है तो। 1800 का न्यूट्रेला का वे है, आप पतंजलि का आप ये भी यूज कर सकते हो, सेम काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं, बस ब्रांड का फर्क हो जाता है, कौन से ब्रांड कहाँ की, कौन सी ब्रांड कहाँ की, बस ये फर्क हो जाता है। ऑन न्यूट्रिशन का जो वे गोल्ड है ये बहुत ही बहुत पुराना ब्रांड है, ये इतना पुराना ब्रांड है, जब हम लोग स्टार्ट किए थे उस टाइम पे ये ब्रांड था, ये ब्रांड जब का है, तो इसका मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये ब्रांड बहुत पुराना है। अब ये ब्रांड जितना आपका पुराना होगा उसका मार्केट में प्राइस, उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, अब इंसान की जितनी वैल्यू बढ़ेगी इंसान उतना ज्यादा खरीदता है, तो जैसे ये हो गया, अब डायमेटाइज हो गया, जैसे ये भी पुराना ब्रांड है, डायमेटाइज हो गया 100% पे, इसमें 63 सर्विंग्स मिलती है, ये भी सेम ही है, 25 ग्राम प्रोटीन, 5.5 BCA, 2.7 लूसीन, तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं, इफ आप ये हो गया, अब ये 100% वे गोल्ड हो गया, कैविल नेवरॉन का, 24 ग्राम प्रोटीन, 5.5 BCA, 4.6 ग्लूटामाइन, शुगर 1.4, 123 कैलोरीज, इसमें कैलोरीज मेंशन किया है क्योंकि वन स्कूप में इंसान कोई कोई प्रोटीन में कैलोरीज मेंशन नहीं किया, किसी किसी ने मेंशन करा रहता कि लाइक हर इंसान को कैलोरीज अपना काउंट करना पड़ता है कि कितना कैलोरीज वो जनरेट कर रहा है वन स्कूप से उसको कितना मिल, तो ऐसा सीन हो जाता है। इफ लड़के लड़कियां है या कोई भी लड़कियां है या कोई भी लड़के जो फैट लॉस पे, वो आइसोप्रो यूज कर सकते हो जिसमें जीरो कार्ब्स है, इसमें कुछ कार्ब्स नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है, तो जो लड़कियां भी होती है जिसको फैट लॉस करना होता है, जो लड़के होते हैं जो मोटे होते हैं जिसको फैट लॉस करना होता है, तो प्रिफर करे आइसोप्रो लेने के लिए जिसमें जीरो कार्ब्स है, उसमें कुछ नहीं है सिर्फ प्रोटीन है, तो आप ये यूज कर सकते हो, लड़कियां भी यूज कर सकती है, ऐसा नहीं कि लड़कियां कोई प्रोटीन नहीं यूज कर सकती, लड़कियां भी यूज कर सकती है, डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन यूज कर रहे हो, इफ कौन सी क्वालिटी आपके पास है आप कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन यूज कर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज जैसे कि मैंने मतलब इमरान भाई ने पूरा प्रोटीन का पूरा गाइडलाइन पूरा डिटेलली पूरा बताया है, तो अगर आपको प्रोटीन्स का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो इमरान भाई के शॉप पे विजिट मारो, ज्यादा दूर नहीं, जस्ट साइंस स्टेशन के 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और ये कुर्ला LBS के मार्ग में आता है। अगर आपको मतलब डिलीवरी करते हैं कैसा कुछ सब कुछ करते हैं, तो गाइज अगर आपको घर बैठे भी ऑर्डर करना है तो आप घर बैठ के ऑर्डर करो, इमरान भाई को कॉल करो, आपको जो भी प्रोटीन चाहिए इनसे मतलब पूछो भाई मैं कौन सा यूज करूं, तो ये भाई एकदम पर्टिकुलर चीज लिए आपको एकदम परफेक्टली बताएंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो गाइज जो भी प्रोटीन यहाँ पे अवेलेबल हो भी कम से कम रेंज में यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है, DM करो इनसे पूछो क्या कैसा है, आपको पूरा गाइड करेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।